इट्स ईशा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करें। सो जिस चीज की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं मैदा, जिसको कि आजकल के टाइम में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, फास्ट फूड्स में, अपने किचन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत हाईली अमाउंट में हम उसको कंज्यूम करते हैं। बट कंज्यूम करते टाइम हम सिर्फ उसके टेस्ट को ही देखते हैं कि हाँ उससे बनी चीजें जो होती है वो बहुत टेस्टी होती है, बट क्या हमने कभी उनके साइड इफेक्ट जानने की कोशिश करी है कि अगर हम मैदा ज्यादा क्वांटिटी में इंटेक कर लेते हैं, हाईली अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके क्या क्या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। सो इस वीडियो के अंदर हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। डोंट स्किप द वीडियो, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्ट। सो अब हम बात करते हैं कि मैदे से हमें कौन कौन सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट थिंग, अगर हम बात करते हैं, अगर हम मैदा बहुत हाईली अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें रिस्क ऑफ ऑबेसिटी यानी मोटापा होने का खतरा हो सकता है, क्योंकि मैदे के अंदर क्या होता है, कैलोरीज बहुत हाई मात्रा में पाई जाती है। अगर हम ज़्यादा मैदा खा रहे हैं तो उसके चक्कर में बहुत सारी कैलोरीज हमारे शरीर के अंदर जाएंगी जो कि फैट के रूप में अलग अलग जगह पे जमा होने लग जाएगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट यही होगा कि हमारा शरीर जो है धीरे धीरे ओबेस होने लगेगा, हम धीरे धीरे मोटे होने लग जाए। तो मैदे का सबसे पहला और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि वो आपको ओवरवेट करा सकता है, आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट साइड इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो मैदा क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरीके से कंजेस्टेड कर देता है। किस वजह से? क्योंकि मैदा के अंदर कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है, उसके अंदर सिर्फ कैलोरीज ही कैलोरीज होती है। तो जब किसी भी खाने के अंदर फाइबर प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारी बॉडी को उस फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो फूड इतनी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। वही सेम चीज़ मैदे के ऊपर भी डिपेंड करती है कि वो मैदा क्या करता है, कभी आपके पेट में जाके जम जाएगा, कभी आपके इंटेस्टाइन्स में जम जाएगा, और आपकी जो बावल मूवमेंट होती है, स्टूल पास करने की जो नॉर्मल मूवमेंट होती है, वो धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, इनकेस अगर आप मैदा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो अपने खाने में। तो नेक्स्ट क्या है कि मैदे से बनी जो चीज़ें हम खाते हैं वो उनमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो ऑयल एंड स्पाइसेस क्या करेंगे, आपके पेट की एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं, आपको जो बर्निंग सेंसेशंस होती है, एसिडिटी जो होती है, उस चीज़ को भी वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट साइड इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो ये है कि अगर आप मैदा बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो उस कंडीशन में आपको डायबिटीज जैसी बड़ी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैदा जैसी चीज़ें जो होती हैं उसको हजम करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर को बहुत सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर हम मैदा ज़्यादा खाएंगे उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पेनक्रियाज को इंसुलिन बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर आप एक दो बारी उस चीज़ को कर रहे हो तो आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी, बट अगर आप उसी हैबिट को बार बार रिपीट करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके हॉर्मोन्स जो है उनमें ऑल्ट्रेशंस आने लग जाएंगी, किसी चीज़ का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, किसी चीज़ का लेवल कम हो जाएगा, और आपके पेनक्रियाज पे उस चीज़ का बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है, और इसी वजह से आपको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो ये है कि अगर आप मैदा बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशनल चीज़ों की कमी हो सकती है, क्योंकि मैदा के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन जैसी चीज़ें नहीं होती है, और साथ में जब हम उसको पका लेते हैं, उसको स्टीम कर लेंगे या फ्राई कर लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू बाकी सब चीज़ों की उसके अंदर होती है वो भी ख़त्म हो जाती है वहाँ पर। तो वो क्या करेगा, आपको कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज ही वो आपकी बॉडी के अंदर जाके डालता रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल ही बढ़ाता रहेगा, आपके अंदर न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल चीज़ों की कमी हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हो। कुछ केसेस में क्या है कि अगर आप मैदा बहुत हाईली अमाउंट में कंज्यूम कर जाओगे तो आपको हार्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैदा क्या करता है, मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट्स में भी बताया है कि मैदा क्या करता है, हमारे पेट के अंदर जाके जम जाता है और हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करता रहता है। इनकेस अगर वो बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में जाके जमा होने लग जाएगा तो वो क्या करेगा, आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा वहाँ से, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। सो आप इस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखिएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा मैदा यूज़ कर रहे हो अपने खाने में तो आपको आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। मैंने आपको जितने भी पॉइंट समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे से आप मैदा इंटेक करने से पहले ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सोच लोगे। आई नो दैट कि ये सब चीज़ें जानने के बाद आपका मन नहीं करेगा कि आगे से हम ऐसा कुछ भी अनहेल्दी फूड इंटेक करें, आपको अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखना होगा, उसके लिए सब चीज़ें अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।